और फिर से चर्चा में आई पलवल के खुलाफा राशिदीन मस्जिद। मस्जिद निर्माण में पैसा लगाने वाले मोहम्मद सलमान के खिलाफ ईडी ने जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के पलवल में आतंकी फंडिंग से बनाई जा रही खुलाफा ए राशिदीन मस्जिद एक बार फिर चर्चा में है। सूत्रों के अनुसार मस्जिद निर्माण में पैसा लगाने वाले मोहम्मद सलमान के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू कर दी है। करणी सेना ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे मेवात के अंदर ऐसी कई मस्जिद हैं जिनमें टेरर फंडिंग का पैसा लगा हुआ है। कि मेवात के अंदर जो 90% मस्जिदें हैं, जो अलवर तक ये मेवात का क्षेत्र लगता है, अगर उनकी भारत सरकार और NIA, ED और राज्य सरकार की जो हमारी इंटेलिजेंसी है वो अच्छे ढंग से जांच करे तो यहाँ पर बहुत आतंकवादियों को पकड़ा जा सकता है। वही मस्जिद में काम करने वाले लोगों का कहना है कि इसे चंदे के पैसों से बनवाया जा रहा है। अगर कोई दोषी पाया जाता है या किसी को कोई सजा होती है, कुछ होती है, तो उसके तो हम भी खिलाफ हैं। लेकिन जितनी भी ये सामाजिक संस्था है या कोई धार्मिक स्थल है, उसमें चंदे से ही पैसा आता है। एक बात की मैं सच्चाई दे रहा हूँ, हाफिज सईद जब उसको ये मुल्क दुश्मन मानता है तो हम इसी के मुल्क के रहने वाले हैं, हम भी उसको दुश्मन मानते हैं। हाफिज सईद का पैसा हमारी मस्जिद में नहीं लग सकता। अगर इसमें उसका पैसा एक रुपए भी लगता तो हमारी इसमें नमाज नहीं होती। वहीं ईडी ने आतंकी हाफिज सईद के संगठन फलाए इंसानियत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। NIA की FIR के आधार पर ईडी ने केस दर्ज किया है। पिछले साल 25 सितंबर को NIA ने 3 हवाला ऑपरेटर्स को गिरफ्तार किया था जिनके पास से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था।